नमो नमः अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब आज हम श्रीमद् भगवद् गीता के द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञ के स्वरूप को समझेंगे। हम कई बार ये सुनते हैं कि गीता में स्थित प्रज्ञ का स्वरूप बताया गया है। पहले तो इस बात को समझ ले, स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञा माने बुद्धि, स्थित माने स्थिर हो गई है, अर्थात जिसकी बुद्धि स्थिर है उसका आचरण व्यवहार कैसा होता है, यही बात इसमें समझाई गई है। इसके पहले हमने पढ़ा, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं आत्मा नित्य है, अतः उसके वध को लेकर या उसके समाप्त होने के भय से तू मुक्त हो, क्योंकि तू ना तू कभी उस आत्मा को मार सकता है ना दूसरा कोई मार सकता है। जो नित्य तत्व है उसका कभी नाश नहीं होता, अतः इस भय को अपने मन से निकाल दे कि तू किसी का वध करेगा या वे तेरा वध करेंगे। इसमें जितने भी शरीर भाग ले रहे हैं वो नश्वर शरीर ही नष्ट होगा, उनका स्थाई आत्मा का कभी भी नाश नहीं होगा। उसके पश्चात वो उसको कर्म योग के बारे में समझाते हैं कि कर्मों में कुशलता ही योग है, अर्थात तू अपने अंदर उस समत्व बुद्धि का विकास कर जहाँ तू हर्ष और शोक, सुख और दुख के भाव से रहित हो जाता है। और इसी क्रम में वो उसे कहते हैं कि जब तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, अर्थात एक बिंदु पर निश्चित हो जाएगी, उसमें किसी प्रकार का विक्षोभ नहीं होगा, उसमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति में तू स्थित प्रज्ञ हो जाएगा, समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेगा और उस स्तर को प्राप्त होने पर किसी भी प्रकार के कर्मों का परिणाम व्याप्ता नहीं है, अर्थात उसके चाहे वो शुभ हो अशुभ हो, तू जो भी कर्म कर रहा है यदि केवल कर्तव्य बुद्धि से कर रहा है उसमें तू आसक्त नहीं हो रहा, तो उन कर्मों का प्रभाव तेरे ऊपर नहीं पड़ता है, उसका फल तुझे नहीं भोगना पड़ता है और मुक्त हो जाता है। इस बात को प्रकट करते हुए कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्सी। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा ये स्थास्यति निश्चला, संधि हो गई नीचे पद में, समाधौ अचला, समाधावचला यहाँ पर अयादि संधि हो गई है, बुद्धिस्तदा योगम अवाप्सी। किस बात को कह रहे वो, यदा ते जब तेरी ये श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुतिभि विप्रतिपन्ना, श्रुतिभि अर्थात तूने जो सुना है, जैसा आपको स्पष्ट है हम वेद के लिए भी श्रुति पद का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो श्रवण की परंपरा रही है। बात अब तक आपको बहुत स्पष्ट हो चुकी है कि श्रवण परंपरा के द्वारा ही वेद संहिताओं को संरक्षित किया गया, उनको उनके मूल रूप में, शुद्ध रूप में उसको सुरक्षित रखा गया, इस कारण उसको श्रुति भगवती भी कहते हैं, श्रुति भी कहते हैं। श्रुति का अर्थ होता है सुनना। तो यहाँ अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विप्रतिपन्ना विचलित हुई, अर्थात तो इस बात का निश्चय नहीं कर पा रहा है कौन सा सिद्धांत, कौन सा मार्ग सही है, इसलिए विभिन्न सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि समाधौ, समाधि की अवस्था में, समाधि की अवस्था क्या हुई, अर्थात परमात्म बुद्धि, परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करना। जब समाधि की अवस्था में अचला अर्थात निश्चल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, स्थास्यति भविष्यत काल में मृत लकार है, स्थिर हो जाएगी, तदा तब तू योगम अवाप्सी, योग को प्राप्त हो जाएगा। योग क्या है, पहले ने कहा समत्वम योग उच्चते, अर्थात समत्व बुद्धि का विकास होना, तेरे प्रत्येक कार्य में, तेरे प्रत्येक विचार में तटस्थता का भाव आ जाना, इदम ना मम ये मेरा नहीं है, उसमें से कोई भी जो कार्य कर रहा उसमें से ममत्व बुद्धि का निकल जाना, उसमें ममत्व बुद्धि से तात्पर्य उसमें आसक्ति का निकल जाना,
यही समत्व बुद्धि का उदय है। अर्थात जब तू निश्चल हो जाएगा, तेरे मन में किसी प्रकार का कंपन नहीं रहेगा, उहापोह की स्थिति नहीं रहेगी, तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तब तू उस समत्व रूप योग को प्राप्त कर लेगा। समत्व योग अर्थात वहाँ कर्म करते हुए भी तुझे उसमें आसक्ति नहीं होगी। किंतु ये कब होगा? जब विभिन्न सिद्धांतों में से जो तेरे मन में उनको सुनने के कारण अनिश्चितता का भाव है कि ये सत्य है या ये सही है, मेरे लिए उस मार्ग का अवलंबन करना चाहिए, मैं ज्ञान मार्ग का अवलंबन करूँ, मैं कर्म मार्ग का अवलंबन करूँ। अभी तक मैं पढ़ता आया हूँ कि गुरु हत्या पाप है, ब्रह्म हत्या पाप है, बंधु बांधवों के साथ प्रेम से रहो। तो इस कारण से जो तेरे बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है और तू उस सत्य का दर्शन नहीं कर पा रहा कि यदि वो तेरे अपने आत्मीय जन किसी प्रकार का अधर्म कर रहे हैं, तो उस अधर्म के विरोध में खड़े रहना भी तेरा ही धर्म है, तेरा ही कर्तव्य है। तो जब तेरी बुद्धि इस प्रकार के विकल्पों का शांत हो जाएगी, उसमें किसी प्रकार की अस्थिरता नहीं रह जाएगी, तेरे अंदर संकल्प शक्ति का उदय हो जाएगा, सत्य को पहचानने की दृष्टि आ जाएगी, तो स्थिर होकर कि हाँ मुझे यही मेरे लिए उचित है, इस प्रकार से स्थिरता को प्राप्त कर लेगा, तो तू योग को अर्थात समत्व रूप कर्म योग को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात उस स्थिति में तेरा जो यहाँ पे उन्होंने कहा है समाधौ अचला, समाधि में अचल हो जाएगी। समाधि का तात्पर्य यह केवल आँख बूंद कर बैठ जाना नहीं है, समाधि का स्तर कि जब हमारा ध्यान बाह्य विषयों से हटकर व्यावृत्त होकर अपने में ही स्थित हो जाता है, हम अपने अंदर उस ईश्वर का दर्शन करने लगते हैं, उस परमात्म स्वरूप का दर्शन करने लगते हैं, जिसके कारण इस जगत की सत्ता है, जो इस जगत का कर्ता है, उसका धरता है, धारण करने वाला है, उसका हरता है, हरण करने वाला है, जब उस परमात्म भाव को हम अपने अंदर देखने लगते हैं, तब वो समाधि की अवस्था कहलाती है। परमात्म स्वरूप क्यों कहा? जब हम कहते हैं कि वही कर्ता धरता और हरता है, तो निश्चय ही यहाँ इस बात का संकेत मिलता है कि जब हमारी संकुचित बुद्धि का नाश हो जाता है, हम विश्व रूप हो जाते हैं, वहाँ हमारा स्वयं का अस्तित्व नहीं रह जाता, गौण हो जाता है, और हम विश्व के प्रति या समष्टि के प्रति विचार करने लगते हैं, उसके कल्याण के बारे में सोचने लगते हैं, उस समष्टि के साथ एकाकार हो जाते हैं, तो वो समाधि की अवस्था होती है। तो अब यहाँ पर इसी प्रकार का भाव जब हम कहते हैं, मुंडकोपनिषद में भी आता है कि दृश्य भाव से, यानी कि जब हमारे सामने जो दृश्य चल रहा है, दृश्यमान जगत है, उसका आत्यंतिक अभाव हो जाता है, उसका सर्वथा अभाव हो जाता है, तो उससे उत्पन्न होने वाले राग द्वेष रूपी जो विकृतियां हैं, जो हमारी कमजोरियां हैं, जो हमारी दुर्बलता है, वो पूर्ण रूप से क्षीण हो जाती है और एकमात्र ब्रह्म का ही हमें दर्शन होने लगता है। उस स्थिति को कि जब हम सब में ब्रह्म सर्वम ब्रह्ममयम जगत इस स्थिति को प्राप्त जाते हैं, उसी स्थिति को हम समाधि की अवस्था कहते हैं। और जब इस प्रकार से कृष्ण अर्जुन को समाधि की अवस्था और स्थिर बुद्धि का उपदेश दे रहे हैं कि तू पहले स्थिर हो, क्योंकि अभी तेरा मानस अस्थिर है, तू किसी एक निश्चय पर नहीं पहुँच पा रहा है, और जब तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी तो वो समाधि की अवस्था होगी और तुझे अपने किसी भी कृत्य के लिए पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, उसके प्रति ग्लानि का भाव नहीं उत्पन्न होगा, अपराध का भाव नहीं होगा। तब अर्जुन उससे प्रश्न करता है कि यदि यह एक आदर्श अवस्था है या मनुष्य का वही लक्ष्य है उस स्थिरता को प्राप्त करना जिसे हम कूटस्थ व्यक्ति कहते हैं, तो वो प्रश्न करता है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थितिधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा,
अब वो पूछ रहा है कि आप जिस मुझे स्थिर बुद्धि होने का उपदेश दे रहे हैं, उसे स्थिति में आने की बात कर रहे हैं, तो वास्तव में उस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की, हे केशव, का भाषा, उसकी क्या भाषा होती है? क्या वो सामान्य जन से उसकी भाषा इतर होती है? समाधिस्थ कैसा है वो? समाधि में स्थित। स्थित प्रज्ञ कैसा है? समाधि में स्थित, अर्थात समाधि की अवस्था को जो प्राप्त हो गया है, ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की का भाषा, क्या भाषा होती है? स्थित धी किम प्रभाषित, स्थित धी माने बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि, तो स्थित धी किम प्रभाषित, वो कैसे बोलता है, किम आसीत कैसे बैठता है, और रजेत किम कैसे चलता है। यहाँ पर जब हम ये सारी बात करते हैं कि उसकी क्या भाषा है, उसका व्यवहार कैसा है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, तो निश्चय ही जिसने उस उच्चावस्था को प्राप्त कर लिया है, उस मानसिक धरातल को प्राप्त हो गया है, तो उसका आचरण, उसका व्यवहार सामान्य मोहग्रस्त व्यक्ति से भिन्न होगा। तो उसकी क्या पहचान है, हम कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर इसको हमें केवल भौतिक या भूतार्थ में नहीं लेना चाहिए, अभी तो इसको इस अर्थ में लेना चाहिए कि उसका व्यवहार, उसका आचरण किस प्रकार का होता है, वो कैसे कर्म करता है, उसकी गति किस प्रकार की होती है, उसका चिंतन किस प्रकार, क्योंकि जो बोल रहा है उसके पहले वो विचार कर रहा है। तो समाधि में स्थित है तो वास्तव में उस समय उसकी क्या मनोस्थिति होती है, वो किस ऊँचाई को, किस उच्च भूमि को प्राप्त हो चुका है, तो वो किस प्रकार की भाषा होती है उसकी, उसकी वाणी कैसी होती है, विचार कैसे होते हैं। वाणी से भी तात्पर्य यहाँ पर यह भी हो सकता है कि उसकी कर्म कैसे होते हैं, क्योंकि ये क्रिया पक्ष है, वाक जो है वो क्रिया पक्ष है, तो उस कर्म कैसे होते हैं, उसकी क्रियान्विति वो कैसे करता है, उसका उठना बैठना कैसे होता है, क्या सामान्य मनुष्य के समान ही वो व्यवहार करता है, क्योंकि वो निश्चय ही वो सामान्य जन से इतर होगा। तो उसके मन में इस प्रकार की जिज्ञासा का जब उदय होता है तो कृष्ण उसको समझाते हुए कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना पुष्टा स्थित प्रज्ञ सदोचते। वो कह रहे हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, ये स्पष्ट है कि यहाँ पे पार्थ संबोधन है, तो हे पार्थ, प्रजहाति यदा, प्रजहाति क्रिया है, छोड़ देता, परित्याग कर देता, यदा जब, किसका परित्याग कर देता है, कामान कामनाओं का, कितनी कामनाओं का, सर्वान समस्त कामनाओं का, कैसी है वो, मनोगतान जो मन में स्थित हैं, तो जो मन स्थित, क्योंकि तो कामना का उदय मन में होता है, इच्छा का उदय मन में होता है, तो मन में स्थित समस्त कामनाओं का, इच्छाओं का जब वो व्यक्ति परित्याग कर देता है, आत्मनि एव आत्मना पुष्टा, आत्मनि एव आत्मना, आत्मनि स्वयं में, आत्मना स्वयं के द्वारा, तो करण भी वही है और आधार भी वही है, जब वो स्वयं से स्वयं में ही संतुष्ट हो जाता है, उसे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रहती, तदा स्थित प्रज्ञा उच्चते, तब उस अवस्था को स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है या उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थित बुद्धि वाला कहा जाता है। तो उस स्थिति में जब व्यक्ति पहुँच जाता है कि उसे किसी अन्य की अपेक्षा ना हो, वो दूसरे से निरपेक्ष हो जाए, उसकी संपूर्ण अभिलाषाएं, उसकी समस्त कामनाएं, काम यानी कि इच्छा, उसकी मन में स्थित समस्त इच्छाएँ का वो परित्याग कर देता है, क्योंकि यहाँ निरंतर सबसे बड़ी बात है कि इच्छाएं एक के बाद एक हमारे मन में उदय होती रहती हैं, हम कभी भी उनका पूर्ण परित्याग नहीं कर पाते, जैसे ही हमारी एक कामना पूरी होती है उसके बाद दूसरी कामना उत्पन्न हो जाती है, हम दूसरी, यदि हमारी लौकिक कामना पूरी हो गई तो हमारी इच्छा का उदय क्यों हो जाएगा कि हम स्वर्ग की प्राप्ति करें। तो इस प्रकार से चाहे वो हमारे इन्हीं लोग से संबंध रखती हो, परलोक से संबंध रखती हो, किसी भी प्रकार की कामना जब तक हमारे मन में शेष है तब तक ये संसार चलता रहेगा, हमारा इससे संबंध बना रहेगा, हमें यहाँ आता जाना यानी कि हमारा इस संसार में आवागमन, जरा मरण, जन्म मृत्यु का चक्र हमें झेलना पड़ेगा।
तो इन समस्त कामनाओं का जब कोई व्यक्ति परित्याग कर देता है, स्वयं से ही संतुष्ट हो जाता है, उसे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती, अर्थात संपूर्ण जगत उसके लिए आत्मरूप हो जाता है, तब उसे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती। जब तक वो अपने को संसार से पृथक अनुभव करता है तब तक उसे अन्य की अपेक्षा बनी रहती है। जब वो उसके साथ एकाकार हो गया, वो अद्वैत की अवस्था भी हम कह सकते हैं कि वो स्वयं ही अपने से संतुष्ट हो जाता है, सबको अपने समान देखने लगता है, ये जो स्थिति होती है स्थिति कब्ज की होती है। अतः व्यक्ति का लक्ष्य ये होना चाहिए कि वो स्वयं से संतुष्ट हो सके। स्वयं से संतुष्ट होने का अर्थ है कि जब उसे अपनी पूर्णता का आभास हो जाता है कि वो पूर्ण है, पूर्ण से उत्पन्न है, ये संसार भी पूर्ण है, पूर्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तो उसमें इस संतोष का भाव हो जाता है। जब तक वो स्वयं को अपूर्ण समझता है तब तक उसके अंदर कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा बनी रहती है, उसे अपने अंदर अपूर्णता का बोध होता रहता है। तो निश्चय ही जब उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो उसे किसी अन्य की अपेक्षा भी नहीं रहती और वो अपने संपूर्ण मन स्थित कामनाओं का परित्याग करके स्वयं से ही संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट होने का अर्थ है कि उसे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, किसी और की अपेक्षा नहीं है, वो पूर्णत्व को प्राप्त हो गया। पूर्णत्व को प्राप्त होता है तो बुद्धि स्थिर कहलाती है, उसका पे स्थिरता आ जाती है, उसके विचारों में स्थिरता आने का अर्थ है कि वो शांत भाव को प्राप्त कर लेता है। शांत होने का अर्थ है शांत संकल्प, जिसे हमने वहाँ पढ़ा कठोपनिषद में, कि उसमें फिर किसी प्रकार से, क्योंकि जब तक उसको कुछ अन्य पाने की अभिलाषा है वो संकल्प करता रहेगा, तो जब शांत संकल्प हो जाएगा, विकल्पों का नाश हो जाएगा, तिरोधान हो जाएगा, तो वो संतुष्ट भी हो जाएगा और वो समाधि की अवस्था कहलाएगी जिससे वो प्रतिष्ठित हो जाता है। तो इस प्रकार से सब प्रकार से जब वो संतुष्ट है तो आप्त काम हो जाता है, आप्त काम होने से उसमें स्थिरता आ जाती है। सब प्रकार से जिस जब समुद्र शांत रहता है उसमें लहरें नहीं होती तो बिल्कुल शांत गंभीर दिखाई पड़ता है, वो पूर्णावस्था का प्रतीक है। और दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृहा, वीत राग भय क्रोधा, स्थिति उच्चते। और ऐसी स्थिति में दुखेशु अनुद्विग्न मना, दुखेशु अर्थात दुख में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, आवेग में नहीं आता, उसमें किसी प्रकार की विकलता नहीं रहती, सुखेशु विगत स्पृहा, और सुख की अवस्था में स्पृहा रहित कामना रहित हो जाता है, अर्थात उसे अन्य किसी वस्तु की प्राप्ति की कामना नहीं रह जाती। दोनों ही स्थितियों में वो तटस्थ बना रहता है, उसके अंदर किसी प्रकार का उतार चढ़ाव नहीं आता। उतार चढ़ाव से तात्पर्य यहाँ पे है कि वो उसको सहज भाव से स्वीकार करने लगता है, क्योंकि जब संसार में हम हैं तो हमें इसकी स्वीकृति आवश्यक है कि हम यदि दुख है तो हम रोने ना लगे कि हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, दुख को ये दूसरा सुखी कैसे है। और यदि हमारे सुख की अनुभव है, हमारे साथ संसार में कुछ अच्छा हो रहा है, तो हम इस स्थिति को ना भूलें कि आज सुख है तो कल दुख भी आ सकता है, ये हमेशा रहने वाली स्थिति नहीं है। तो जब व्यक्ति संसार में होने वाली घटनाओं को सहज भाव से स्वीकार करने लगता है वो स्थिति स्थिरता की कहलाती है। और जब वो सहज भाव से स्वीकार करने लगता है तो वीत राग भय क्रोध, उस व्यक्ति के राग आसक्ति भय क्रोध, यानी उसका प्रेम भय क्रोध जो विकृतियाँ हैं विकार हैं, चाहे वो सात्विक हो चाहे वो तामसिक हो, उसके अंदर जिस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनसे वो मुक्त हो जाता है और उसकी बुद्धि स्थिर होने के कारण वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसके मन में दुख की अवस्था में किसी प्रकार का उद्विग्नता विकलता नहीं होती, सुख प्राप्त होने पर जो सर्वथा निष्प्रिय बना रहता है, अर्थात उसको किसी अन्य की स्प्रिया माने इच्छा, इसलिए सामान्यतः सात्विक रूप में भी आता है,
तो उसके मन में किसी अन्य सुख की स्पृहा नहीं रहती, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो चुके हैं, उनसे वो मुक्त हो गया है, ऐसा व्यक्ति स्थितज्ञ कहलाता है। या मुनि शब्द का प्रयोग किससे किया गया है, व्यक्ति ही कह रहे हैं, मुनि कह रहे हैं। मुनि का होता है मननात, जो मनन करने वाला है। तो जो व्यक्ति निरंतर मनन अवस्था में रहता है, हम ज्ञान की तीन अवस्थाएं मानते हैं, श्रवण, मनन और निरुद्धासन। श्रवण का अर्थ हुआ हम जब किसी चीज को सुन रहे हैं, किसी सिद्धांत को सुन रहे हैं, किसी तत्व के बारे में सुन रहे हैं, उस श्रवण के पश्चात हमारे मन में उससे संबंधित जो विचारों का निरंतर विकास होता है, उसका आलोड़न होता है, हम उसकी सार्थकता निरर्थकता के बारे में विचार करते हैं, ये उस तत्व का मनन कहलाता है। चिंतन, मनन, निधिध्यासन ये भी आ सकता है। तो हम उसके बारे में चिंतन करते हैं, उसके बारे में मनन करते हैं, उसको अच्छी प्रकार से उस पर विचार करते हैं, तथ्यपूर्वक विचार करते हैं, और फिर हम किसी एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, तो ऐसा व्यक्ति मुनि कहलाता है। तो जब वो हर अवस्था को सहज भाव से स्वीकार करने लगता है, ये स्थिति मुनि की होती है, स्थिति व्यक्ति की होती है। तो अनुद्विग्नम मनः यस्य न उद्विग्नम इति अनुद्विग्नम, अनुद्विग्नम मनः यस्य सा अनुद्विग्न मनः विगत स्प्रिया। यहाँ भी हम उसी प्रकार से इसका स्प्रिया स्त्रीलिंग होता है, इसलिए कहा जाता है विगता स्प्रिया यस्य। फिर उसको हम पुल्लिंग में कर देंगे कन्वर्ट, तो कहेंगे हम सह विगत स्प्रिया। वीत राग भय क्रोधा, वीता राग भय क्रोधा यस्य, सा वीत राग भय क्रोधा स्थिता भी यस्य सा स्थिति। तो इस प्रकार से हम इसके समास का विग्रह करते हुए इसके अर्थ को समझते हैं। अब इसको आगे कहते हैं, फिर हम इस प्रति का लक्षण पहचान और क्या बता रहे हैं कि यह सर्वत अनभिस्नेह तत्त प्राप्त शुभाशुभम न अभिनंदंती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्त प्राप्त शुभाशुभम, कि जो सब प्रकार से अन अभिस्नेह, अन नैयर्थ है अभिस्नेह स्नेह से, तो जो सब प्रकार से स्नेह से रहित होकर तत्त शुभाशुभम प्राप्य, उन उन शुभ और अशुभ स्थितियों को वस्तुओं को प्राप्त करके न अभिनंदती, ना तो उन अवस्थाओं का अभिनंदन करता है, प्रसन्न करता है। नंद नंदने धातु है, प्रसन्नता के अर्थ में आती है अभिनंदन करना, यानी कि उसका हम स्वागत कर रहे हैं, उस पर अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। न द्वेष की दुष्ट धातु से बना, ना ही उससे द्वेष करते हैं। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है, अर्थात एक भाव में स्थिर हो जाती है, एकाग्रता को प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रकार से जो चाहे मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति हो रही है, पाप की प्राप्ति हो, यानी कि उसका जो भी फल उसको मिल रहा है, पाप जान करके कोई संचय नहीं करता, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप जिन शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति उसे होती है, उनको प्राप्त करके, यानी कि सुख की स्थिति में वह अत्यंत प्रसन्न नहीं होता, दुख की स्थिति में उसका उससे द्वेष नहीं करता कि मुझे ही क्यों ये इस प्रकार की स्थिति प्राप्त हुई है। इस प्रकार से जो हर परिस्थिति में सहज सामान्य बना रहता है, वास्तव में वही स्थिति कहलाता है। और इस बात को और भी अधिक आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसे, कि यथा संघर्ते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहते कि जिस प्रकार से कछुआ, कूर्म माने कछुआ, जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, केवल एक प्रस्तर खंड सा दिखाई पड़ता है, आप लोगों ने देखा हुआ कछुआ कि दूर से जब वो उसको भयभीत होता है तो अपने सारे अंगों को समेट लेता है और केवल एक लगता है कोई पत्थर पड़ा हुआ है, उसी प्रकार से
जो मनुष्य है जब इंद्रियों को इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रिय के विषयों से संघर्ते समेट लेता है, संहार कर लेता है, उसका हरण कर लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है। जैसा आपको स्पष्ट है कि हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय भी स्पष्ट हैं। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो हैं नेत्र, कान, श्रोत्र, नासिका, रसना और त्वचा। इनके विषय भी उसी प्रकार से हम रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, हम उसको बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इनका कार्य ही है विषयों का ग्रहण करना, लेकिन जब हम इसके कार्य को ही रोक देंगे, उससे हम समेट लेंगे, यहाँ पे नाश का अर्थ नहीं है, उससे हम हटा लेंगे, उससे हम व्यावृत्त कर लेंगे विषयों से इंद्रियों को, अर्थात बोध का रहते हुए भी, विषयों को रहते हुए भी जब वो उनका ग्रहण नहीं करती है, उससे समेट लेती है अपने मन को। जैसा आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमें किसी विषय का ज्ञान कब होता है, सामान्य जो प्रक्रिया है वो है कि जब हमारे अंग किसी का उसका इंद्रियों का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होता है, उसके साथ संबंध होता है, उसकी सूचना मन तक पहुँचती है और मन के द्वारा हमें फिर वो मस्तिष्क तक, ये पूरी प्रक्रिया आपने पढ़ रखी है, और उससे पुनः जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, वो जैसे ही ज्ञान होता है हमारे मस्तिष्क से सूचनाएँ आती हैं। यदि हमने किसी गर्म चीज़ का स्पर्श कर लिया है तो हम हाथ पीछे हटा लेंगे, ठंडा है तो शीतलता का अनुभव करेंगे। यानी कि सूचना के लिए इन सब का एक क्रम होना चाहिए मन तक पहुँचने के लिए, मन का संयोग आवश्यक है इंद्रिय के साथ भी, मस्तिष्क के साथ भी। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कुछ हुआ, अब भयभीत होने पर सब ओर से अपने इंद्रियों को समेट लेता है, अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार से जब मनुष्य इंद्रियों को उनके विषय से हटा लेता है, अर्थात विषय तो है, उनका बाध नहीं हुआ है, उनको कहीं हमने नाश नहीं किया है, विषय है किंतु हम उसका ग्रहण नहीं कर रहे हैं। जब हमारी बुद्धि इतनी परिपक्व हो जाती है कि जो कुछ सामने है उसके रहते हुए भी हम केवल साक्षी भाव अपना लें, केवल दृष्टा के समान उसको देखें, उससे हम प्रभावित नहीं हों, इसी को आगे के श्लोकों में स्पष्ट किया जाएगा कि हम उसके रस को ग्रहण नहीं करते, उससे आगे की अवस्था की बात अगले श्लोक में कही जाएगी। तो जब हम विषयों का ग्रहण करना बंद कर देते हैं, ग्रहण करने से तात्पर्य है तो उसकी हम प्रतिक्रिया भी देते हैं, तो जब वो प्रतिक्रिया शांत तो हो जाती है, हम केवल एक सामान्य भाव से उसको ग्रहण करने लगते हैं, वो स्थिर प्रति की अवस्था कहलाती है, अर्थात हमारी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, उस पर किसी भी प्रकार का विकृति अब उसमें नहीं है, उस पर किसी प्रकार का दोष नहीं है, वो इंद्रिय के विषय हमें आकर्षित करने में समर्थ नहीं है कि वो अपने आकर्षण के जाल भी हमें बांध करके हमसे कुछ अनैतिक कर्म करवाएं। तो जो ये स्थिति को प्राप्त हो जाता है वो स्थितज्ञ कहलाता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रिय को इंद्रिय के विषयों से जब वो समेट लेता है, ये अभ्यास से संभव है और इस प्रकार का अभ्यास करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, तब हम हर प्रकार के भ्रष्टाचार से मुक्त रह सकते हैं। अस्तु, आज के लिए इतना पर्याप्त है।